गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और ये है बाहर का व्यू हमारी बालकनी से। बहुत ही सुंदर व्यू है, मुझे बहुत पसंद आता है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये इस तरफ पूरा बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और नीचे का दिखाऊं आपको, जो सोसाइटी है ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से दिखाई देती है और वहाँ तक है ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसके आगे भी दो बिल्डिंग और है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये। और ये नीचे रेड कलर की कार खड़ी है, 3, 4, 5, ये देखिए वहाँ तक। और जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, ये जो बिल्डिंग है इनके पीछे समुंदर है, पूरा यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये सब 2 दिन पहले हम सब गए थे वहाँ पे, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो, मैंने वीडियो में शेयर किया था। और एक दो वीडियो मैंने और भी बनाए थे, उसमें मैंने पूरा दिखाया था, तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे, आप देख सकते हो। वो वाले वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, इतना प्यारा व्यू है ना वहाँ का कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये मनी प्लांट लगा रखा है, उसके बाजू में मिर्ची के पौधे हैं जो कि काम के नहीं हैं, बेकार हो चुके हैं, और बाजू में एक तुलसी का पौधा है जो कि ऐसे ही उगा था, चाय वगैरह में डालते हैं हम इन पत्तों को। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। और ये बेड की हालत इतनी ख़तरनाक सुबह सुबह। अभी ऐसा ही है, पहले किचन क्लीन करूँगी उसके बाद फिर इसको ठीक करूँगी। और अभी चलते हैं किचन में। तो ये मेरे किचन की हालत देखिए, ये देखिए बर्तन है, इधर चकला रखा है दूध डालना है अभी गर्म करने के लिए, और ये दही है इसके अंदर, दूध सब बस ऐसा ही है। तो पहले ये सारा क्लीन कर लेती हूँ, सब ऊपर तक आप देख सकते हो क्या बुरी हालत है। क्योंकि अभी अभी खाना बनाया मैंने, आज मैंने खाने बनाए सफ़ेद चने, मैं आपको दिखा देती हूँ, बनाए सफ़ेद चने ये देखिए। और साथ में बनाए हैं मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मूली के परांठे। तो ये मेरा और शिल्पी का ब्रेकफास्ट है, और अभी मैं इसको सारे को क्लीन करूँगी क्योंकि अभी तक नहीं किया मैंने, मुझे दूध रखना है गर्म होने के लिए। और अभी चलते हैं ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम की हालत भी देख के आते हैं कैसी है। क्योंकि रात को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए वो वाला कुशन, उसको तो पूछो ही नहीं कहाँ गया, सब ऐसा ही है पूरा घर एकदम बिखरा हुआ। ये रात की हालत है। ये सामने टीवी है जो कि बंद ही रहता है, बहुत कम चालू होता है। जब कोई अकेला होता है तभी उसको देखते हैं, अदरवाइज वो बंद ही रहता है। और ये फिश टैंक जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया है, अभी मुझे उसका पानी भी चेंज करना है, देखती हूँ 1-2 दिन में चेंज करूँगी। और इसके अंदर ना मैंने ये मतलब गर्म हीटर लगाया हुआ है ताकि पानी जो है गर्म रहे, हल्का एकदम हल्का सा गर्म होता है। तो ये और ये सब तो मैंने आपको पहले भी दिखाया काफ़ी बार। और ये वाले जो मग हैं ये भी मैंने खुद ही घर पे ही तैयार किए हैं इस तरह से, ये देखिए इनका व्यू ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो कि मैंने इनको किस तरह से बनाया है, और लिंक में डाल दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं ये, एक ये है और एक ये वाला रेड कलर का, ये देखिए ना शाइन करता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली एक बॉटल भी है इसके साथ, मैंने ये भी बनाई थी, सबसे पहले मैंने ये वाली बनाई थी, और इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगाया है। ये वाला ये देखिए, तो ये तीन का इस तरह से मैंने ये तीन यहाँ पे रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखिए है ना कितने सुंदर लगते हैं। बस इस तरह से इसमें बहुत कम पत्ते आते हैं, लेकिन चलिए जैसा ठीक है। बस इस तरह से। और ये फूल भी मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छे लगता है रेड और वाइट, और इनके ऊपर भी मैंने इस तरह से फेरी लाइट लगाई है। ओ माँ, बस ये देखिए इस तरह से ना कितने सुंदर लगते हैं ना ये। और यहाँ पे बटरफ्लाई है ये तीन। ये 5 का पेयर था शायद, हाँ 5 का पेयर था ये, तो बाकी तो टूट गई, 3 बची हैं इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और ये लैंप के लिए भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो भी मैंने
दो या तीन दिन पहले ही इसका बनाया था दोबारा, जो मैंने अंदर बेडरूम में लगाया। हाँ, लेकिन उसकी लाइटिंग नहीं लग पा रही है क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। तो देखती हूँ, अखिल को संडे को छुट्टी होती है तो उसको बोलूँगी, संडे वाले दिन वो लगा के देगा। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस इस तरह सही है। तो चलो पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। लाइटिंग बंद कर देती क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है ना। और शिल्पी अपने बेडरूम में बैठी हुई है, उसकी भी थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं उसकी। तो अंधेरा अंधेरा हो गया ना, लाइट में चलते हैं पहले। तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, तो वो अटेंड करेगी। और अभी शायद थोड़ा आज लेट है, मुझे लगता है 12 बजे उसकी क्लास है। और फिर मतलब कंटिन्यू फिर रहती है, बीच में थोड़ा ब्रेक आता है उसको 3 से 4 बजे तक, तो वही वो लगाएगी। तब तक मैं ये पूरा घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठते हैं बाहर धूप में, मज़ा आता है। और चलिए पहले काम कर लेते हैं, बाद में साथ साथ में बातें भी करते रहेंगे। और ये चकला मैंने धो के रख दिया। और मैं क्या करती हूँ ना कि साथ साथ में ही सारे काम खत्म करते रहती हूँ। जैसे ये चकला रोटी बनाई तो फटाफट साथ में धो देती हूँ इसको, और इसको मैं ना छुपा के रखती हूँ किसी को पता नहीं चले। यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है ये आराम से, ये बहुत ही आराम से इसके नीचे आ जाता है, ये यहाँ चला जाता है। और अभी मुझे दूध डालना है गर्म होने के लिए, पैकेट का दूध है ना, तो टेंशन हो गई कहीं फट नहीं जाए, तो फटाफट इसको भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। पहले हम ना भैंस का ही दूध लेते थे, लेकिन वो भैया अभी आते नहीं है इस तरफ, और उन्होंने बंद कर दिया, कहते मैं इस तरफ नहीं आता हूँ, बहुत कम दूध लेते हैं लोग यहाँ पे, ज़्यादा पैकेट का ही चलता है। तो फिर मैंने भी पैकेट का ही शुरू कर दिया। काफ़ी साल हमने लिया उनसे, 6-7 साल लिया होगा उनसे कम से कम हमने, अब तो 1 साल पहले ही शुरू किया। और काफ़ी अच्छा दूध देते थे वो ना, घर पे देके जाते थे। 6-7 साल लिया होगा कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। अब बस अभी 2-3 साल से हम पैकेट ही यूज़ कर रहे हैं। ये दूध भी रख दूँगी अभी गर्म होने के लिए, और साथ साथ मैं फिर गैस और पूरी किचन भी क्लीन कर लूँगी। वैसे तो अभी ज़्यादा काम नहीं है बचा है क्योंकि लंच हमारा बन गया है, ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया है, लेकिन अभी झाड़ू बाकी है, पोछा बाकी है, डस्टिंग बाकी है, कपड़े धोना बाकी है, मशीन लगाऊंगी, बर्तन बाकी है, और उसके बाद फिर कपड़े उठाओ, फोल्ड करो, प्रेस करो, तो दिन भर तो काम यही रहते हैं, सारा दिन भर बस यही काम चलते रहते हैं। और शिल्पी की क्लासेस रहती हैं तो ज़्यादा बोल भी नहीं पाती मैं उस टाइम पर, तो मैं सोचती हूँ कि पहले जो भी है मेरा वीडियो का काम वो हो जाए, क्योंकि उसको बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं बोलती हूँ ना, बात करती हूँ जो जो से, तो उसको डिस्टर्ब होता है, हेडफोन लगाती है वो बीच में कान दुखने शुरू हो जाते हैं, ईयरफोन लगाती है तो भी उसके कान दुखने शुरू हो जाते हैं, तो बोलती हूँ मम्मी थक जाती हूँ मैं। तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, और जब उसकी क्लासेज शुरू हुए तो मैं वीडियो एडिट कर लूँ अपना। मैं सोचती हूँ, मतलब ऐसा हो भी नहीं पाता है कई बार, तो मैं उसके मतलब क्लासेज के बीच में भी मतलब ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। मैंने गैस बहुत तेज रखी हुई है, ये देखिए फुल पे रखी हुई है, एकदम से मैंने देख लिया ये तो पूरा दूध निकल जाता। चलिए अभी मैं इसको रख देती हूँ ट्राईपॉड पे, और पूरी किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी शावर लेने के बाद। अरे हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा प्लीज, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी ना 1 साल होने वाला है और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि वो मोनेटाइज हो जाए और वॉच टाइम भी बढ़ जाए। और व्यूज़ तो नहीं आते, 100-150 बस इतने व्यूज़ आते हैं, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए, एक एक को तो ज़रूर करिए, ताकि मैं काम करती रहूँ इस तरह के वीडियो जो कि आप लोगों को पसंद आते हैं तो बनाती रहूँ, नहीं तो फिर चलिए जो होगा देखते हैं, कोशिश करूँगी कि 1 साल के अंदर अंदर ही मोनेटाइज हो जाए।
तो मैंने ये सारा क्लीन कर दिया, देखिए पूरा एकदम परफेक्ट कर दिया। इधर का भी बस अब बर्तन बाकी है, तो वो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, धो लूँ या शावर ले लूँ। दोनों में से एक ही काम हो सकता है जल्दी जल्दी, तो पहले शावर लेके आती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी ये बाकी के बर्तन वगैरह, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बाकी है हमारा, तो वो वाले बर्तन भी निकलेंगे, ब्रेकफास्ट के बर्तन भी निकलेंगे, तो फिर मैं सोच रही साथ में ही करूँगी। और बाकी सारा काम खत्म हो गया, बस दूध बाकी है, वो गर्म हो रहा है, फिर पूछा लगाऊंगी बाद में। तो चलिए बस खत्म हो गया सारा काम किचन का, ये देखिए सब क्लीन हो गया एकदम से, पूरा साफ हो गया। इसको थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, तेज करके करूँ और भूल गई तो निकल जाएगा सारा ही, तो इसको सिम पे ही गर्म करती हूँ। और ये सारा मैंने पूरा अच्छी तरह से अरेंज कर दिया। चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। आज देखूंगी चूड़ी चेंज करनी है मुझे, और ये नेल पेंट भी निकालूंगी। परसों मैं सोच रही थी कि निकाल दूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं लगा, पूरा दिन भर बिजी निकल जाता है, तो आज ये चूड़ियाँ चेंज करूंगी और नेल पेंट भी निकालूंगी। पैरों का भी चेंज करना है मुझे ना, बहुत दिन हो गए उसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी ये भी चेंज करूंगी आज। काफ़ी गंदा जैसा लग रहा है, उसकी 9 बजे क्लास है, बस 8:45 हो गए हैं, तो थोड़ी देर में उसकी क्लास शुरू हो गई, थोड़ी देर में उसकी क्लास लग जाएगी, तो अपनी क्लास अटेंड करेगी वो। काम मेरा सारा ही खत्म हो गया आज, मैंने सुबह सुबह ही सारा काम खत्म कर लिया था। बस अभी मैंने शावर लेके फ्री हुई हूँ, और अभी थोड़े से कपड़े बाकी हैं मशीन में, वो सुखाऊंगी, धुल गए हैं सारे, तो मैंने सोचा पहले बॉडी लोशन लगा लूँ। और मैं ना पॉन्ड्स का ही यूज़ करती हूँ, मैंने इनसे पूछा था कि आप कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करते हो, तो मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ, मुझे यही पसंद आता है, बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बस ये वाला। और लिप बाम, तो लिप्स के लिए बोरोलिन बोरो प्लस सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास एक है हिमालय की भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको हिमालय की है मेरे पास एक, मैं वो बोले मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है वो भी, तो ये है हिमालय का, ये भी बहुत अच्छा लिप बाम है, मतलब हल्के हल्के से ना पिंक हो जाते हैं इससे होंठ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पर इससे भी बेस्ट बोरोलिन, वो सबसे अच्छी लगती है, पर ये भी अच्छी है, पर इसकी थोड़ी खुशबू मुझे पसंद नहीं है, हल्की सी मतलब चिपचिप करती है, पर इसका कि मैं कम यूज़ करती हूँ इसको। और बोरोलिन और बोरो प्लस तो मेरा मतलब सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी लगती है वो। थोड़े से बाल सुखा लूँगी बाहर, और जो कपड़े हैं उनको सूखने के लिए डाल लेती हूँ। वैसे सारा भी अरेंज कर देती हूँ उसको। पता है 2 दिन से ना बादल थे और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, आज ना थोड़ा अच्छा है, थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली है, वैसे तो ज़्यादा तेज नहीं है पर अच्छा लग रहा है आज ना, थोड़ा मतलब से ज़्यादा ठंडा नहीं है, दो दिन से तो काफ़ी ठंडी हो रही थी, अभी थोड़ा आज पर आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसी चमक जैसी मतलब चमक रही है ऐसे आँखों में धूप ना, तो आँखें नहीं खुल रही हैं। देखते हैं अभी शिल्पी अगर बाहर बैठेगी ना क्लास लगाने के लिए तो ऑरेंज खाएंगे,
क्योंकि कल हस्बैंड गए थे तो लेके आए थे, तो मैं उसको बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि चल बैठ के बाहर धूप में ऑरेंज खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पुदीने वाला नमक को हरी मिर्ची उसमें डाली हो ना कूट के, बहुत टेस्टी लगते हैं उसके साथ। तो मैं कपड़े डाल लेती हूँ, थोड़े से बाकी है, फिर उसके बाद अगर वो मान गई तो बाहर धूप में बैठ के खाएंगे फिर। ये देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए, अभी सारे कपड़े डाल दिए मैंने जितने भी थे, और आज देखो बहुत दिनों के बाद ना फिर से घर का काम शुरू हो गया। वो दिखाई दे, ये देखिए अभी फिर से ना ये घर का काम, यहाँ पे खड़े हैं वर्कर, एक ही नीचे खड़ा है यहाँ पे और एक यहाँ पे, अभी ना आज ही शुरू हुआ है, मतलब तकरीबन एक महीने से बंद होगा घर का काम ना, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। मैं सोच रही हूँ फटाफट हो जाए और रहने लग जाएं सब लोग, पूरा अंदर से डेकोरेट कर लें, फर्नीचर वगैरह सारा अपना अच्छी तरह से, लेकिन काम ही बहुत धीरे 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 हो रहा है, तभी तो शायद प्लास्टर वगैरह हो रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे वर्कर है, अभी तो नीचे ही है शायद नीचे की साइड। चलिए देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं अंदर और शिल्पी को पूछती हूँ अगर वो बाहर बैठ गई ना क्लास लगाने के लिए, क्योंकि 10 बज गए तो उसकी क्लास तो शुरू हो गई है, अगर वो मान गई तो बाहर बैठ के आराम से संतरे खाते हैं अभी। और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और कल वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है उसके लिए थैंक यू। बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मुझे ना वो लैंप लगाना है, कल मैं सोच रही थी कि लगा दूँ लेकिन नहीं लग पाया, तो आज पूरी कोशिश करूँगी, थोड़ा लाइटिंग का सोचना पड़ेगा, प्लग नहीं है, जो एसी का है वो इसके बैक साइड में है शीशे के ना, तो वो देखती हूँ, नहीं तो फिर शाम को अखिल आएगा तो उसको बोलूँगी वो लगा देगा, तो इसके चारों तरफ लाइटिंग करनी है और ये लैंप मुझे ऊपर हैंग करना है ऊपर, तो ऐसे करके लटक के आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके अंदर फिर फेरी लाइट डालूँगी, तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कि आज के दिन में हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत हो रही है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी से लग जाए। चलिए बाहर वाला तो मैंने लगा दिया है। आने वाले हैं थोड़े टाइम में। शिल्पी आजा। मेरे पास तो उन्होंने आज मैं नहीं रख लिया, थोड़ा बड़ा साइज है लेकिन थोड़ा मजबूत तो लग रहा है, अभी अभी क्या लग रहा है, निकल भी गया साइड से। यहाँ से टूट भी गई जब भी है। बीज नहीं होने चाहिए, डिस्टर्ब कर रहा है खाने में। जूस आ रहा है एकदम मुंह में।